मणिपुर में हुई शर्मनाक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने वाला वीडियो वायरल होने के बाद देश में इस घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। इस बीच इस घटना के मुख्य आरोपी पर मणिपुर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। 21 जुलाई को गुस्साए ग्रामीणों ने इस घटना के मुख्य आरोपी हुईरेम हेरादास सिंह का घर आग के हवाले कर दिया। मणिपुर में गुस्साए भीड़ ने मुख्य आरोपी हुईरेम हेरादास सिंह का घर जला दिया। मणिपुर में वायरल हुए एक वीडियो में भीड़ दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाती हुई नजर आई थी। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि इनमें से एक महिला के साथ गैंगरेप भी किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बताया कि यह घटना बीती 4 मई की है, लेकिन वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इस बीच मणिपुर में गुस्साई भीड़ ने इस घटना के मुख्य आरोपी हुईरेम हेरादास सिंह के घर आग लगा दी। इन लोगों में ज्यादातर महिलाएं थी। गुस्साए भीड़ ने आरोपी के घर में न सिर्फ आग लगाई बल्कि उसको तोड़ा भी। आपको बता दें, मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने वाले वीडियो के वायरल होने के मामले में पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महिलाओं के साथ हुई इस घटना की पूरा देश निंदा कर रहा है। पीएम मोदी ने भी इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया है और कहा है कि ऐसे आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा। बता दें कि इस मामले में जिस आरोपी के घर पर आग लगाई गई उसका नाम हुईरेम हेरादास सिंह है। पुलिस उसे पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार किए गए अन्य 3 आरोपियों की पहचान तत्काल पता नहीं चल पाई। इस बीच मणिपुर में ग्रामीणों ने आरोपी हेरादास सिंह के मकान को आग के हवाले कर दिया। ये घटना बता रही है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो दरिंदगी हुई उससे कितना ज्यादा आक्रोश वहां के लोगों में भर गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल के साथ।